अभय के दशरथ की सुपरहिट फिल्म राजा हिंदुस्तानी को 24 साल पूरे हो चुके हैं। फिल्म ने दर्शकों की काफी तारीफ बटोरी थी। फिल्म में आमिर और करिश्मा की केमिस्ट्री की भी तारीफ हुई थी। फिल्म की सफलता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1997 में फिल्म को बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड मिला था, साथ ही बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट म्यूजिक का भी अवार्ड प्राप्त हुआ था। जिसे देखते हुए दोस्तों हमें राजा हिंदुस्तानी 2 देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, बहुत ही जल्द हमें राजा हिंदुस्तानी 2 मूवी देखने को मिलेगी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको राजा हिंदुस्तानी 2 के ही बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आप ही हैरान जरूर हो जाओगे कि आखिर ये फिल्म हमें कब देखने को मिलेगी और इसमें हमें कौन से स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आखिर कब हमें राजा हिंदुस्तानी 2 मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों आगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। 1996 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म राजा हिंदुस्तानी में लीड एक्ट्रेस के लिए करिश्मा कपूर डायरेक्टर्स की पहली पसंद नहीं थी। धर्मेश दर्शन ने ये फिल्म पहले ऐश्वर्या राय को ऑफर की थी, लेकिन इस वक्त तक ऐश डिसाइड नहीं कर पाई थी कि उन्हें एक्टिंग में अपना करियर बनाना है या नहीं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद ये फिल्म जूही चावला को ऑफर की गई, लेकिन उन दिनों आमिर खान के साथ जूही की किसी बात को लेकर अनबन चल रही थी, इसीलिए उन्होंने भी फिल्म करने से मना कर दिया। इसके बाद डायरेक्टर ने पूजा भट्ट को लेने की सोची, लेकिन आमिर ने डायरेक्टर से ऐसी एक्ट्रेस को लेने को कहा जिसके साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर नहीं की हो, और धर्मेश ने करिश्मा कपूर को साइन कर लिया। और दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का गाना तेरे इश्क में नाचेंगे में आमिर को नशे में दिखाया गया है। इस गाने में रियल फील के लिए आमिर खान ने 1 लीटर वोदका पी ली थी। और दोस्तों आपको बता दें कि धर्मेश दर्शन एक बार फिर से इस मूवी को डायरेक्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दोस्तों करिश्मा कपूर और आमिर खान की केमिस्ट्री के बारे में तो हम सभी जानते हैं, और इस फिल्म के किसिंग सीन के बारे में भी हम सभी जानते ही हैं, जिसकी बहुत चर्चा भी हुई थी। लेकिन दोस्तों इसके बाद ये जोड़ी हमें फिल्मी पर्दे पर कभी देखने को नहीं मिली। और दोस्तों अगर राजा हिंदुस्तानी 2 के बारे में बात की जाए तो हमें एक बार फिर 1996 का रोमांटिक ड्रामा देखने को मिलेगा, जिसे देखने के लिए सारे फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी है। और हो सकता है कि इस फिल्म में हमें नए चेहरे देखने को मिले जो अनएक्सपेक्टेड होंगे। तो दोस्तों अगर आपको भी फिल्म राजा हिंदुस्तानी 2 का बेसब्री से इंतजार है तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी